अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं यहाँ पर रेडिसन जो है वो बैंक्वेट जो है वहाँ पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो है इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इनकी इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था। और ये आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंतज़ाम किया है यहाँ पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि मुझे इन्विटेशन मिला था कि अफान भाई आप आएँ हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम है हमारा, तो लिहाजा इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ। इनकी मैनेजमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। और चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं ये और क्या सिस्टम इन्होंने किस तरीके से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये इनविटेशन आया था। GFS वालों का प्रोग्राम आपको पता है बहुत ही VIP और ख़ास किस्म का होता है। इनके सारे प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही VIP और आलीशान होते हैं। तो आज इनकी दावत पे मैं यहाँ पर आया हूँ। माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जिनके रोजे तूने कबूल किए उनका वास्ता हमारे रोजे कबूल फरमा, जिनकी तरावी कबूल की उनका वास्ता हमारी तरावी कबूल फरमा, ए अल्लाह जिनका खैरात सबका देना कबूल किया उनके सदके हमारी भी इबादत कबूल फरमा ले, ए करीम जिनकी बख्शिश हो गई तुझे उन खुश नसीबों का वास्ता हमारी भी बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलखुसूस हमारे इरफान भाई की वालिदा और उनकी नानी जान की मग़फ़िरत फरमा, उनके वालिद साहब को सेहत व आफियत वाली तवील जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हाथ ऊँचे हैं, इफ्तार की घड़ियाँ हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ऐ अल्लाह हमें नेक बना दे, अपने पसंद के बंदों में शामिल कर ले, रमजान के बाद भी हमें 5 वक्त का नमाजी बनाई रखना, ऐ अल्लाह मस्जिदों से ताल्लुक माह रमजान के बाद भी लगा रहे, हम सबको हराम रोजी से बचा, फकत रिस्के हलाल नसीब फरमा, ऐ करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, आज जितने हाथ उठे हैं सबकी झोलियाँ भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, तू सबके नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है, ऐ अल्लाह यहाँ भी बीमार बैठे होंगे, हमारे रिश्तेदारों में बीमार हैं, हमारे दोस्तों में बीमार हैं, कोई कैंसर का मरीज है, कोई गुर्दों का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, ऐ अल्लाह तरह तरह के अमराज हैं, ऐ शिफा देने वाले रहमत की घड़ियाँ हैं, हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह कर्जदारों की नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सब पर खास फजल व करम फरमा, हमें रिस्के हराम से महफूज फरमा, फकत रिस्के हलाल नसीब फरमा, ऐ अल्लाह ऐ करीम हम जो मांग सके वो भी अता कर दे, जो न मांग सके हमारे हक में बेहतर हो वो भी अता फरमा, इफ्तार की घड़ियाँ हैं तेरे दरबार में इल्तिजा है, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, जो हमारे वतन को नुकसान पहुँचा रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और अगर हिदायत नसीब में नहीं तो उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा दे, हमारे वतन से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान हमें अता फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौली अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ान मग़रिब जो है यहीं से इंशाल्लाह बराए रास्त हमारे दरमियान क़ारी साहब मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो अज़ान भी फरमाएंगे ताकि यहीं से फिर हम सब इफ्तार का जो है यहाँ से अहतमाम हो जाएगा। तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप सब और इफ्तार के बाद जमात का भी बाजमात नमाज का भी अहतमाम है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इत्मीनान के साथ आप बैठ, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे साथ अच्छी तरह से सरकार लेवल पर मौजूद हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है मोहतरम जनाब क़ारी असद अय्यूब साहब अज़ान फरमाएंगे। अल्लाह हू अकबर अल्लाह
اشهد ان لا اله الا الله اشهد व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम GFS की मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं और आज इनका, जैसा कि आपको मालूम है कि मेगा इफ्तार प्रोग्राम था जिसमें तमाम नामी गिरामी शख्सियात को इनवाइट किया गया। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त कि मेरे साथ इस वक्त GFS फेज वन का पूरा कोरम है। और ये आप देखें नामी गिरामी चेहरा, जाना पहचाना चेहरा ज़ुबैर हाशमी साहब, और पीछे पूरी मैनेजमेंट है। तो अभी इनका डिनर का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो उस वक्त तक आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इस वक्त यहाँ पर जो है वो GFS का जो एहतमाम था अफ्तार का, वो अख्ताम पजीर हो चुका है और अख्ताम की तरफ गामजन है। और यहाँ पर मैं आपको अपने मनपसंद जो हमारे बिल्डर हैं इरफान भाई साहब, उनकी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। वो अब फारिग हुए और उनको अब टाइम मिला है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त इरफान साहब मसरूफ़ है, डिनर है। और इसी तरीके से हमारी तो हो गई है वाबा और हम तो चले अब अपने घर। तो व्यूवर्स, ये था इरफान साहब का इवेंट जैसा कि आपने देखा। तो जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये इख्तिताम पजीर की तरफ जा रही है इस वक्त इनकी GFS वालों की ये पार्टी, और हम भी अब अपने घर की तरफ को निकलते हैं। और जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका डिनर का वो था, एहतमाम था। और अफ्तारी भी इनकी बहुत ही VVIP थी माशाल्लाह, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और कहने का मकसद है कि व्यूवर्स के ये GFS की शान शान है कि इनका हर इवेंट माशाल्लाह से ये जो है वो क्या कहते हैं नाकाबले फरामोश होता है। उसकी वजह यही है कि माशाल्लाह से इनकी ऑनेस्टी और इनकी जो काविशें हैं और बहुत ज़्यादा दिलजोई के साथ जो है ये माशाल्लाह से ये काम करते हैं। और ये हमारे साथ चौधरी साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौधरी साहब कैसी तबीयत है, खैरियत है, मज़े में है चौधरी साहब? माशाल्लाह आपको, चौधरी साहब मैं एक तकलीफ दूंगा आपको तक चौधरी साहब। नहीं नहीं, इसका मतलब एंड है, एंड हो गया है। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था, दिल खुश कर देते हैं इरफान भाई जब बुलाते हैं, तो क्या ख्याल है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स, ये हमारा हुआ प्रोग्राम इख्तिताम पर। और जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इवेंट था ये अफ्तार का, और अल्लाह पाक इनको कबूल करे, इनकी नियतों को कबूल करे और इनके जज्बों को कबूल करे, जिस तरह ये दिल खोल कर माशाल्लाह से यहाँ पर ये इवेंट करते हैं और दिल खोल कर जो है ये कहते हैं ये एहतमाम करते हैं ख़ास। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।